कीरतपुर नेरचौक फोरलेन पर मंडी भराड़ी के पास गश्त के दौरान बिलासपुर पुलिस ने कार सवार तीन युवकों से 68.64 ग्राम चिट्टा पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस टीम के द्वारा नाका लगाया गया था तथा आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान पुलिस टीम ने शक के आधार पर कार नंबर HP 34B 2700 को रोका। इस कार में तीन युवक सवार थे। पुलिस टीम ने कार की जांच के दौरान 68.64 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपियों की पहचान ध्यानचंद निवासी वार्ड नंबर 11 शास्त्री नगर कुल्लू, अभिनव निवासी मकान नंबर 119 वार्ड नंबर 2 अखाड़ा बाजार कुल्लू व विश्वदीप निवासी बनाला पनारसा तहसील ओट जिला मंडी के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। उधर पुलिस प्रवक्ता एवं DSP जिला मुख्यालय मदन धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा इन आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जाएगी। हिमाचल प्रस्तुति राजेंद्र ठाकुर की बिलासपुर से रिपोर्ट। इसमें जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव चौधरी के निर्देशानुसार ये थाना सदर की एक जो टीम है ये मंडी भराड़ी में नाका पर तैनात थी, जिसमें जो है टीम का जो नेतृत्व जो है वो थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरनाम सिंह कर रहे थे। तो पिछली शाम रात करीब 10:15 बजे जब वो वहाँ पर यातायात चेकिंग और गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे तो उसी दौरान एक जो ये कार है HP 34D 2700 जिसका नंबर है ये कीरतपुर की तरफ से जो मंडी की तरफ जा रही थी और इसमें जो है रेगुलर चेकिंग के लिए इसको चेक किया गया, जिसमें जो है तीन सवार जो बैठे थे जिसमें ये के ध्यानचंद है, दूसरा सुदर्शन, ये दोनों कुल्लू के निवासी है, एक शास्त्री नगर का एक अखाड़ा बाजार का, और एक ये तीसरा है विश्वदेव शर्मा जो पनारसा का रहने वाला है। तो जो इनका जो ये पता मालूम हुआ और जब ये कार की तलाशी ली गई तो जो ड्राइवर सीट के आगे जो मैट थी उसके नीचे से जो है एक ये पदार्थ मिला जो जिसे जो है वो हीरोइन ही पाया गया। और जब इसके इसका जो वजन किया गया तो वजन इसका कुल जो है 68.64 ग्राम जो है ये चिट्टा बरामद हुआ है। जो उपरोक्त जो तीनों जो ये व्यक्ति है ध्यानचंद, सुदर्शन और विश्वदेव शर्मा, इनके विरुद्ध जो है थाना सदर में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन तीनों को जो है इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे जो है आगे की जो तफ्तीश जो है की जा रही है।